सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है सभी के एक और नई गेम सुल्तान की ब्रांडिंग वीडियो में। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फ्री फायर में पिंग प्रॉब्लम आती है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में ये हम बताने वाले हैं। सो दोस्तों, बहुत से लोगों को OB31 जो अपडेट आई थी अभी फ्री फायर में, उसके बाद बहुत से लोगों को फ्री फायर में पिंग की प्रॉब्लम आ रही है। सो इसलिए वो अपना गेम नहीं खेल पा रहे, और जब भी वो किसी एनिमी को मारने जाते हैं तो उनका जो पिंग होता है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, जिससे एनिमी उनको टपका देता है उल्टा। सो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सो सोल्यूशन जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो मैं एक वार्निंग दे देता हूँ कि आप सिर्फ अपना टाइम ख़राब करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे आपको हर ट्रिक समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर इस वीडियो में 3 ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर वीडियो के अंदर आने के बाद पहली ट्रिक है कि आपकी पिंग कैसे हाई होती है दोस्तों। क्या आपको बताएं, जब आपका इंटरनेट लो होता है, जब आपके कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, तो आपके जो पिंग है वो हाई हो जाती है। और मुझे पता है कि बहुत से लोगों की जो नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी उनकी पिंग हाई हो जाती है, उसका सोल्यूशन मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपना जो ब्रॉडबैंड या जो भी है आपके वाईफाई है उसको सही जगह पर लगवाइए, या अपने जो केबल ऑपरेट क्या कहता हूँ मैं जो कस्टमर केयर है उसको फ़ोन करके कहिए कि जो नेटवर्क सही से नहीं आ रहे। अगर आपका मोबाइल डाटा है तो प्लीज़ कस्टमर केयर को फ़ोन करिए, या आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी या ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर दूसरा कारण है जिससे पिंग की प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि बहुत सारे लोग 10-10 चीज़ अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारी पिंग की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मुझे पता है दोस्तों आपने नहीं करी है 10-10 चीज़, पर उसका सोल्यूशन मैं आगे दूंगा। तो 10-10 चीज़ अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो पिंग की प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप फ्री फायर खेलते हो, जब भी खेलते हो, तो आपको जो भी बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रही है चेंज, उनको पॉज कर देना है। हाँ दोस्तों, उनको पॉज कर देना है, क्योंकि जो मोबाइल की स्पीड है, आपके जो नेटवर्क की स्पीड है, वो इतनी तेज़ नहीं है जो 10-10 चीज़ों को झेल सके। और तीसरी जो प्रॉब्लम है, मतलब तीसरा जो कारण है जिससे पिंग की प्रॉब्लम आती है, वो मतलब बहुत सारे बंदों को आती है, मेजॉरिटी जो पिंग की प्रॉब्लम आती है वो इसी के कारण आती है, मैं इस वीडियो में बता दूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग खोल लेनी है। सेटिंग खोलने के आपको यहाँ पर कनेक्शन जो कनेक्शन का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। यहाँ पर आप जब कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके कुछ सामने इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क्स में जाना है। मोबाइल नेटवर्क्स में जाने के बाद ये नेटवर्क मोड है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेटवर्क मोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। फिर आपको 3G 2G कर देना है LTE से, ओके। फिर आपको दोबारा LTE कर देना है 3G 2G वाला। सो इससे जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और फिर मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो काम करना है, आपको एक्सेस पॉइंट पर जाना है। एक्सेस पॉइंट पर जाने के बाद जियो 4G होगा, जो भी आपका नेटवर्क है उसका यहाँ पर नाम होना चाहिए। नाम है तो बिल्कुल सही बात है, ओके दोस्तों। फिर आपको बैक आ जाना है यहाँ पर, और फिर आपको सिम कार्ड मैनेजर में जाना है। सिम कार्ड मैनेजर में जाकर आपको SIM 1 ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर उसको ऑफ़ करके उसको ऑन कर देना है दोबारा। मेरी मोबाइल में एक ही सिम है, इसलिए यहाँ पर ये ऑफ़ नहीं हो रही है। आपके मोबाइल में 2 सिम होनी चाहिए दोस्तों। अगर 2 सिम नहीं है तो डाल लो यार, कौन सी बड़ी बात है। इसको ऑफ़ कर देना है और ऑन कर देना है दोबारा, जिससे जो आपकी पिंग की प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। जो पिंग की प्रॉब्लम है ना, वो ज़्यादातर मोबाइलों में इसी कारण से आती है, और सैमसंग के मोबाइलों में ये सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह के कंटेंट को पाने के लिए देखते रहे गेमिंग सुल्तान। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।